हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे एक प्रोसेस ड्रिवन इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में, जिसमें मैं देखूंगा कि कैसे मैं प्राइस एक्शन टेक्निक को डेटा के साथ अलाइन करके किस तरीके से मैं एक इंट्राडे ट्रेड बना सकता हूं। आज हम उस बारे में बात करेंगे। सो मैं ये वीडियो बहुत बारीकी से बना रहा हूं, एकदम डिटेल में बना रहा हूं, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप देखिए किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट टूल को किस तरीके से इस्तेमाल किया आप वो भी देखिए, और इस दरमियान आप उसमें देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कैसे मैंने डेटा को अलाइन किया, कैसे मैंने वहाँ पर प्राइस एक्शन को मैंने यूज़ किया, और कैसे मैंने एक बहुत ही बेहतरीन एक स्ट्रैटेजी उसमें बनाई है जिसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो स्ट्रैटेजी हम इसमें यूज़ करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। ओके, सो यहाँ पे मैं फिलहाल एक स्टॉक को मैं पिकअप करूँगा, ठीक है? आप स्टॉक को ले सकते हो, इसमें इंडाइसेस को भी ले सकते हो, ठीक है? स्टॉक इंडाइसेस दोनों इसमें काम आ जाएंगे, आप दोनों को पिकअप कर सकते हो, ठीक है? तो पहले यूजुअली स्टॉक को हम देखेंगे, ठीक है? स्टॉक को मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज उसमें आप देखोगे कि इंट्राडे है, तो जहाँ पर मैं एक नेकेड प्रॉफिट यहाँ पर बाय करूँगा, नेकेड ऑप्शन को मैं बाय करके उसमें बना सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि स्प्रेड बनाने जाएंगे तो स्प्रेड में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं ये कहूँगा कि अगर नेकेड इसमें मैं लूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल में उसमें रहने की कोशिश करूँगा। तो इसमें मैं ये देखूँगा कि कितनी बारीकी से, क्योंकि यहाँ पर मैं नेकेड प्रॉफिट ले रहा हूँ तो मुझे जो स्टॉप लॉस है वहाँ पर मुझे बहुत बारीक रखना पड़ेगा, क्योंकि नेकेड ऑप्शन बाय में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ मेरा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है? अगर मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी जाता हूँ तो मैं टेंशन फ्री रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इतना ही लॉस हो सकता है और इतना ही प्रॉफिट हो सकता है। नेकेड प्रॉफिट में आपका जो लॉस है पूरा प्रीमियम जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर नेकेड जो कॉल हम ऑप्शन लेंगे उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को, ये किसी भी स्टॉक में एप्लीकेबल है। अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक को पिकअप कर रहा हूँ तो मैं उसमें किस तरीके से बनाऊँगा, ठीक है? एक किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को पिकअप कर सकते हो, ठीक है? कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, ज़्यादा लार्ज कैप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और वो भी जिसमें लिक्विडिटी अच्छी हो। ऐसा ना हो कि आप लिक्विडिटी उसमें कम हो और आपने वो ले लिया, बाद में प्रॉफिट हो रहा है लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो लिक्विडिटी ज़रूर चेक करिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कोई स्टॉक को पिकअप करूंगा, ठीक है? स्टॉक को पिकअप करेंगे, स्टॉक जनरली किसी के पसंदीदा स्टॉक्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि वो भी ट्रेड कोई बेकार नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ट्रेड बेकार है। आपको बहुत सारे स्टॉक में लेना चाहिए जिसमें किसी में इंट्राडे में 5-10% भी मूव होता है, ठीक है? ठीक है, वो चीज़ एक अलग होती है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको लेना है, आपके पास उतना एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, या आप एक ही स्टॉक में करना चाहते हो, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें ले सकते हैं अगर स्टॉक को एनालाइज आप करते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कोई स्टॉक को पिकअप करूँगा, ठीक है? जिस भी स्टॉक को पिकअप करूँगा मैं उसका डायरेक्शन को एक बार आइडेंटिफाई करूँगा, डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? मैं हमेशा डायरेक्शन की बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं डायरेक्शन के साथ चलता हूँ। मैं आई एम नॉट ए मार्केट मेकर, मैं कोई मार्केट मेकर नहीं हूँ, कोई भी मार्केट मेकर नहीं है, ठीक है? हम क्या करते हैं, हम मार्केट के साथ चलते हैं, मार्केट जिधर जा रहा है हम वहाँ जाएंगे, ठीक है? तो डायरेक्शन आप आइडेंटिफाई करिए, ठीक है? अभी डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो हमेशा आपको सक्सेसफुल दे, लेकिन ज़्यादातर आप टाइम देखोगे कि आपको एक अच्छा ट्रेड आपको दे सकता है। अभी डायरेक्शन जो है वो हो सकता है कि अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, और हो सकता है कि वो ऑसिलेट कर रहा हो, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा हो, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा हो, ठीक है? तो मैं ये सारा चीज देखूंगा, ऑलराइट, और इसको ये देखने के लिए मैं यूज करूंगा फ्यूचर का डेटा, ठीक है? तो किसी कोई भी फ्यूचर का डेटा मैं पिकअप करूंगा यहाँ पे, किसी भी स्टॉक का फ्यूचर डेटा अगर मैं पिकअप करता हूँ तो उसमें देखिए ज़्यादातर जो फ्यूचर डेटा होता है, ठीक है, फ्यूचर डेटा में आपको लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप पूरा बताता है, ठीक है? तो बारीकी से देखिए, अगर लॉन्ग बिल्टअप की मैं बात कर रहा हूँ तो जब भी जो लोग हैं
ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं उसको बाइंग करने में, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादातर है इसको ऊपर रखने में, तो वो लोग उसको बाय करते हैं, ठीक है। बाय करने से क्या होता है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है, कॉन्ट्रैक्ट नया ओपन होगा तो आपका ओआई बढ़ना शुरू करेगा, राइट, आपने बाय किया है, और वहीं पर जो प्राइस आप देखोगे वो भी साथ में इंक्रीज होना शुरू करता है, तो ओआई बढ़ता है, प्राइस भी आपका साथ में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका लॉन्ग बिल्टअप कहलाएगा, ये आपका लॉन्ग बिल्टअप कहलाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रहा है साथ साथ में, लॉन्ग बिल्टअप कहलाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग बिल्टअप जब ऐसे ऐसे होता है तो प्राइस सीधी लाइन में नहीं जाता, वो कहीं पर जाके थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, और प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करता है, अगेन बाउंस बैक करके ऊपर जाता है। तो ये जो रिट्रेस होता है जहाँ पे प्राइस थोड़े टाइम के लिए नीचे आता है, ठीक है, ये जनरली कौन सा आप देखो कंडीशन होता है जहाँ पे लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 10 लॉट लिया है तो उसमें से मैंने 4-5 लॉट मैंने निकाल दिया, तो होगा क्या कि ओआई जो है वो गिर जाएगा, क्योंकि जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया था मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया, ठीक है, तो ओआई आपका गिर जाएगा, और साथ ही साथ में जो प्राइस है वो भी आपका गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, तो वहाँ पे आप देखोगे ज़्यादा थोड़ा प्रेशर बन जाता है कि नीचे आने के लिए, तो यहाँ पे प्राइस भी आपका नीचे गिर जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये आपका होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। ओआई बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लॉन्ग बिल्टअप, ओआई गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, दोनों ही सिनेरियो आप देखोगे ये आपके बुलिश के सिनेरियो है, क्योंकि दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये आप चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये बुलिश कंडीशन बता रहा है। अभी यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा उल्टी दिशा में जाता हूँ, ठीक है, मतलब नीचे की ओर, तो यहाँ पर मैं क्या देखूँगा, अगर मेरा व्यू ये है कि मार्केट नीचे जा रहा है, ज़्यादातर लोग उसको नीचे रखना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे, एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, ठीक है, तो फिर से ओआई बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं शॉर्टिंग कर रहा हूँ, आप चाहे बाय करो शॉर्ट करो, दोनों चीज़ में नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है, ओआई आपका बढ़ेगा, लेकिन शॉर्ट कर रहे हो तो प्राइस आपका गिरेगा, बिकॉज यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड कम है, प्राइस आपका नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होता है ये आपका होता है शॉर्ट बिल्टअप, ठीक है, ये कंडीशन होता है शॉर्ट बिल्टअप। सिमिलरली इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, यहाँ पे प्राइस ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, तो जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज, प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, ये जो कंडीशन है इसको बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग दोनों बताया, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है, प्राइस नीचे जाता है, ठीक है, और किस तरीके से आप देखोगे वही कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जहाँ पे ओआई क्लोज हो जाएगा, मतलब ओआई आपका गिर जाएगा और प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, तो ये आपका हो गया शॉर्ट कवरिंग। अभी ये जो दोनों कंडीशन है ये आपका होता है बैरिश का, ठीक है, ये आपका हो गया बैरिश कंडीशन, मतलब प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है, और उसी कंसेप्ट में हम ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन मिल गया, ठीक है, डायरेक्शन मिल गया, ये दो डायरेक्शन आपको पता चल गया कि अप ट्रेंड रह सकता है, डाउन ट्रेंड रह सकता है। अभी इन्हीं दोनों को यूज़ करके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्राइस में मोमेंटम ज़्यादा रहेगा कि नहीं, ऑसिलेट होगा कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अभी हम चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेस है, तो जो फ्यूचर डेटा है वो आपको मिलेगा ट्रैक में जाके, फ्यूचर्स वाई में आपको बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे आप सीधा जाएंगे फ्यूचर ओवर हिस्टोरिकल, ये आपको सिंबल साइकिल सब मिलेगा। तो मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक का अगर आपको देखना है तो फ्यूचर ओवर हिस्टोरिकल में जाइए, जैसे यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी है। अभी अगर मुझे कोई स्टॉक लेना है, ठीक है, तो मैं स्टॉक पिकअप कर सकता हूँ, ऑलराइट, इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, जैसे आप ये देख रहे हो, ऑलराइट, बाटा इंडिया है, फिर आप ये देख सकते हो कि BEL है, ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो बजर पेंट है, ऑलराइट, भारत फोजा, सारे स्टॉक के आपको इस तरीके से दिखेंगे, ऑलराइट। सो अभी मैं यहाँ पे आपको कंडीशन बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से मैं इसको एनालाइज करूँगा। अभी जैसे यहाँ पर भारती एयरटेल का यहाँ पर स्टॉक मैंने लिया है, तो यहाँ पर होगा क्या, मुझे यहाँ पर चार कंडीशन दिख रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग। तो ये दोनों क्या बताते हैं कि यहाँ पर अगर
लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग कैंडल जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आउट ऑफ 20 डेज, ये 20 दिन का डेटा है, ठीक है। तो अगर उसमें 70% ऑफ द टाइम आप देखोगे अगर लॉन्ग लॉन्ग बिल्टअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग ज़्यादा है तो वो आपको बता रहा है कि ये ऊपर रह सकता है, ठीक है, ज़्यादातर टाइम, क्योंकि इसके पीछे फोर्स देखिए, रीज़न ये होता है ना कि यहाँ पर फोर्स बिल्टअप है। अभी 70% ऑफ द टाइम मतलब बैकिंग अच्छी है, ऐसा नहीं होता है कि ओके ये तो इतने दिन तक था अभी थोड़ा सा करेक्शन आएगा। इसमें कैसा होता है कि जो करेक्शन जो उसमें आता है आप देखते हैं उसमें शॉर्ट बिल्टअप होना शुरू होता है और वहाँ पर वो डाउन साइड जाता है। करेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई स्टॉक सिर्फ 1-2% नीचे गिर गया, करेक्शन का मतलब होता है 10-20% वो नीचे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज ये देखिए कि अगर 70% ऑफ द टाइम यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर ज़्यादा है तो कंडीशन क्या बता रहा है कि ये अप ट्रेंड रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर शॉर्ट बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा है तो कंडीशन क्या बताएगा कि ये डाउन साइड रह सकता है, तो मैं इसमें कोई बैरिश वाला ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है, क्लियर कंसेप्ट है। तो अभी हम इस पे आके देखते हैं, ठीक है, इस पे आके देखते हैं कि मेरा यहाँ पर कंडीशन क्या है, ठीक है। तो ये आपको भारतीय एयरटेल का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, भारतीय एयरटेल का डेटा है यहाँ पर। अभी देखिए जो मुझे शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखिए, ग्रीन वाला लॉन्ग बिल्टअप है, ब्लू वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली जो लॉन्ग बिल्टअप वाला एक ये है, ये है, और यहाँ पे मुझे लॉन्ग अनवाइंडिंग ये यहाँ दो दिख रहा है, ठीक है, तीसरा और ये। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउट ऑफ 14 डेज सिर्फ 6 बार ही आप देखोगे लॉन्ग बिल्टअप है, मतलब 20 डेज 6 बार ही मेरा यहाँ पे लॉन्ग का कंडीशन बना हुआ है, बाकी 14 दिन मेरा बैरिश वाला ही है, बाकी 14 दिन मेरा बैरिश वाला ही कंडीशन है। और आप देख सकते हो कि बैरिश के कंडीशन के साथ साथ प्राइस है थोड़ा सा ऊपर जाता है, आप देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर जाता है लेकिन वापस से नीचे आता है। तो जब आपका कंडीशन ही बैरिश वाला बना हुआ है तो जितनी बार भी ये ऊपर जाए आप वहाँ पर मौका ये देखिए कि मुझे यहाँ पर डाउन साइड का कोई ट्रेड मिलेगा कि नहीं, मतलब ऑलवेज वहाँ पर देखिए कि कोई रेजिस्टेंस है या कोई प्राइस एक्शन टेक्निक है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है आप रेजिस्टेंस मार्क करना सीख लीजिए, बहुत बहुत सिंपल होता है, उसमें भी ज़्यादा कुछ हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से वो लाइन को मार्क करके एक वहाँ पर एक रिस्पेक्ट मिलता, रिस्पेक्ट करता है और वो रिस्पेक्ट के हिसाब से वहाँ पर ट्रेड लेता, मतलब उसको टेस्ट करता है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर भारतीय एयरटेल है, ठीक है, यहाँ देखिए पूरी तरीके से ये गिरा, ये यहाँ पर पूरी तरीके से डाउन साइड वाला ट्रेड है, ठीक है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो अभी मैं अगर भारतीय एयरटेल का चार्ट लगाऊंगा तो भारतीय एयरटेल पे आपको मिल जाएगा, ऑलराइट। अगर मैं दूसरे स्टॉक का लगाऊंगा तो दूसरे स्टॉक मिल जाएगा। तो चलिए भारतीय एयरटेल का लगाओ तो हम भारतीय एयरटेल पर ही देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन देख ली है, अभी भारतीय एयरटेल के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने 3 मिनट का कैंडल यहाँ पर, तीन मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, ठीक है। प्राइस एक्शन में मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन, ठीक है, और रेजिस्टेंस को ही मैं यहाँ पर मार्क करूँगा, ठीक है। अभी आपने देखा कि वहाँ पे किस तरीके से पूरा ऊपर बाउंस बैक किया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस उसने बराबर बनाया है कि नहीं, ठीक है। अभी वो रेजिस्टेंस कैसे बनता है वो जरा ध्यान से देखिए। अभी हम एक लाइन बनाते हैं और लाइन के मुताबिक वहाँ पर हम देखते हैं कि उसको टेस्ट करके वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ठीक है, और ट्रेंड लाइन, अभी आप देखिए ये यहाँ पे किस तरीके से ऊपर गया। अभी यहाँ पर एक क्लियर आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, एक क्लियर कंडीशन देखिए, यहाँ पे प्राइस देखिए, यहाँ पे जो हाई बना के उसको ब्रेक करके ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, हाई बना के ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। अब वहाँ कंडीशन क्या बनी हुई है कि बैरिश है, कंडीशन वही बनी हुई है लेकिन ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं स्कैल्पिंग तो कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन स्कैल्पिंग एक एडवांस स्टेज है, डायरेक्टली हम उसमें नहीं जाएंगे। तो इसको देखिए किस तरीके से हाई ऊपर ब्रेक करके गया। अभी मुझे क्या देखना है कि मुझे डाउन साइड वाला एक पर्टिकुलर जगह पर एक बोल सकते हैं कि वहाँ पर मुझे सिर्फ जो रेजिस्टेंस अगर मिलेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा उसको रिस्पेक्ट करके वहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मुझे ट्रेड बनाना है, छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो चलिए अभी इसमें चलते हैं। अभी यहाँ पर आप देखिए
एक यहाँ पे इसने हाई किया, लेकिन यहाँ पर लोअर हाई बनाया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लोअर हाई बनाया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पर कैंडल रखता हूँ, आई एम सॉरी कर्सर रखते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसने हाई बनाया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 7 अगस्त की बात है, ठीक है। यहाँ पर इसने हाई बनाया, अभी हाई बना के वापस से नीचे आया, इसके बाद इसने दोबारा यहाँ पर हाई नहीं बनाया, ऊपर जाके नहीं बनाया। मतलब ये है कि यहाँ पे ये नीचे आने की संभावना है, क्योंकि हमारा व्यू भी बैरिश वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जाके ऊपर से वीक एक रिजेक्शन मिला, ठीक है। वो रिजेक्शन पे आप देखिए यहाँ पर 85,000, ये ऑर्डर बुक का डेटा देखिए हेल्प करेगा आपको। यहाँ पर देखिए 85,000 यहाँ पर बायर्स हैं, लेकिन सेलर 33,000 है, मतलब बायर खुद एग्जॉस्ट हो गए वहाँ पे, ठीक है। ऊपर चले जाना चाहिए, लेकिन स्पाइक मार के वापस से नीचे आया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे कि फर्दर आगे जाके मुझे कोई ट्रेड मिल रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पर देखिए एक अगर मैं इसी को, ये कैंडल को अगर मैं मार्क करके यहाँ पर अगर मैं ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मुझे प्राइस एक्शन मिला है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस एक्शन आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। पूरा हाई करके वहाँ पर डोजी टाइप का कैंडल उसने बनाया है, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे आप देख सकते हो कि बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी 8,500 है, सेलर आपको वहाँ पर मिल रहे हैं कुल मिला के 36,000। तो बायर जो है वो 4 गुना कम है, मतलब सेलर 4 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे आप देख सकते हो कि उसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वहाँ पे नीचे मैं क्या करूँगा कि ये जो है यहाँ पर मैंने इस लाइन को मार्क किया कि ये यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। एक बार मैंने इसको मार्क किया, अगर इसी को दोबारा यहाँ पर रिटेस्ट करता तो मेरा एक अच्छा ट्रेड बन सकता था, मैं वहाँ पर देख लूँगा, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाई बना रहा है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये प्राइस को यहाँ पर रिस्पेक्ट कर, यहाँ पर इसने किया, अभी अगर इसी को रिस्पेक्ट करके दोबारा यहाँ पर नीचे आया तो मेरा यहाँ पर ट्रेड बनता है। मेक श्योर कि पीछे वाला जो हाई है उसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाता तो वहाँ ट्रेड मत लीजिए, भले वो ब्रेक करके वापस से नीचे आए, वो ऐसा लंटिंग टाइप का हो गया। यहाँ पर क्या होगा कि इसको देखिए एक बार इसने हाई किया फिर नीचे आया, यहाँ पर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश नहीं की, तो ज़्यादातर चांसेस है कि उसी को टच करके वो नीचे आए। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक मौका मिलना चाहिए कि उसको टच किया हो, तो मुझे एक इंडिकेशन मिलना चाहिए कि यहाँ से नीचे आ सकता है, तो यहाँ पर मुझे एक कॉल साइन मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको जब टच किया तो यहाँ पर ऑर्डर बुक डेटा में मुझे 36,000 क्वांटिटी सेलर दिखे। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सेल करता हूँ, वहाँ देखिए 14,049 का मेरा यहाँ पर SL होगा, ठीक है, 14,049, ठीक है। 1 रुपया बफर रखता हूँ तो 14,050 का मैं SL रखता हूँ, और 14,044 पे 14,044-45 के आसपास मेरा ट्रेड बनता है, मतलब 5 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, छोटा स्टॉप लॉस रखूँगा। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ये जो एक नेकेड में कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन बाय करूँगा, तो मैं वहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस रखूँगा, बड़ा बिल्कुल नहीं रखूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के मैं यहाँ से अगर ट्रेड लेता हूँ तो 1445 से वो गिर के 1426 तक गया। अब वो बहुत बड़ा ट्रेड हो गया, मुझे 1:2 का रेशो लेना है, 5 रुपया तो मुझे 10 रुपया नीचे लेना है, तो 1435 तक हो जाएगा। अगर मुझे टू बी ऑन सेफर साइड जाना है 1:1.5, तो मुझे 7.5 रुपये चाहिए, तो मैं ये 37 के आसपास मैं यहाँ पर एग्जिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ट्रेड मिला हुआ है। अभी आप यहाँ पर आगे भी देख सकते हो कि इसी चीज़ को रिस्पेक्ट इसने वापस से किया है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आप देखिए जो बायर और सेलर में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है, और इसी को देख के ब्रेक करके ये वापस से ऐसा एक बार नीचे आया है, ठीक है। खैर ये तो जब मार्केट क्लोज हो रहा है तब की बात है, क्लोजिंग वाले टाइम पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। अभी यहाँ पर देखिए वापस से, ये देखिए वापस से इसने जाके यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी इसके पहले रेजिस्टेंस क्यों नहीं कंसिडर किया गया, क्योंकि देखिए ये पूरे हाई को ब्रेक कर करके ही ऊपर जा रहा है। तो आप ये देखिए ना, एक पूरा ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे, एक पूरा ट्रेंड बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर इसको बनाता हूँ, ठीक है, ये देखिए एक पूरा ट्रेंड लाइन यहाँ तक बनेगा, जस्ट अ मिनट, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन बन रहा है और उसी को ब्रेक भी करेगा,
वापस से देखिए, अगर यहाँ पे ये रहा, देखिए आई एम सॉरी, ये देखिए पूरा एक जोन इसने बनाया, उसी को रिस्पेक्ट करके वापस से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए पूरा जोन इसने बनाया, यहाँ पर इसको नीचे यहाँ पर ब्रेकडाउन यहाँ पर किया है, ठीक है, यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन किया है, ऑल राइट। यहाँ पर लेकिन क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पर इसने ऊपर ब्रेक करके जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक वीक बनाया और वहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने रिटेस्ट किया वापस से उसी लेवल को, इसने यहाँ पर रिटेस्ट किया, देख सकते हो रेड रेड कैंडल बन रही है। अभी अनसर्टिनिटी है, ठीक है, लेकिन रिस्क तो यहाँ पर हम ले ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो 12:21 की कैंडल है, वहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि बायर वहाँ पर भी अभी भी ज़्यादा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर ब्रेक करके जाएगा, लेकिन उसके आगे अगर हम जाते हैं तो मुझे वहाँ पर जो सेलर हैं वो आगे, वो मुझे ज़्यादा दिखना शुरू होता है कि जो बायर थे वो क्या बोलते हैं 9,000 थे, फिर सेलर बढ़ना शुरू किए, और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से एक फोर्स बिल्टअप होना शुरू हुआ, सेलर है ना धीरे धीरे बढ़ते गए, ठीक है, आप देख सकते हो कि कैसे वो 9,000 थे, फिर 11,000 हुए, फिर आप देख सकते हो कि एकदम से वहाँ पर जो सेलर हैं वो ज़्यादा हो गए, बायर कम हो गए। जहाँ पर भी आपको दिखता है कि सेलर जस्ट इंक्रीज हो गए हैं वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसको फर्दर यहाँ पर ब्रेक करके अगर जाना होगा तो जा सकता है, अभी हम इतना रिस्क तो यहाँ पर लेते ही हैं, ठीक है। तो मुझे एक दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, कितना है ये 1465-1470 का स्टॉप लॉस फिर से लगेगा, और 1465 से वापस से मुझे 1455 तक आया, 10 पॉइंट नीचे आया, 1:2 का रेशो मिला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना आसानी से मुझे इसने इस तरीके का लेवल दिया है, इस तरीके का ट्रेड दिया है। अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया मैंने, और यहीं पर क्यों लिया, क्योंकि मेरा यहाँ पर मैं देख सकता हूँ रिजेक्शन, देखिए सारे वीक जो है, अभी देखिए मैं आप जब प्राइसिंग एक्शन की बात कर रहा हूँ तो आपको हर एक पॉइंट को नोट करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए वीक का रिजेक्शन कितना है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि ऊपर से रिजेक्शन हो रहा है, और उसमें आप देख सकते हो कि पूरा ये देखिए यहाँ पर जो सेलर की जो लाइन्स है वो ऊपर आ गई है, मतलब यहाँ पर सेलर हावी होना शुरू हो गए हैं, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से मार्केट पूरा नीचे आया है और किस तरीके से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिला है, किस तरीके से भारतीय एयरटेल नीचे आया और यहाँ पर मुझे अच्छा ट्रेड मिला है, ठीक है। तो इस तरीके का हम इसमें ट्रेड बना सकते हैं। अभी देखिए वापस से ये ऊपर गया है, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने हाई बनाया, ऑल राइट, फिर से उसके हाई को यहाँ पर ऊपर ब्रेक किया, वापस से ऊपर चला गया, अभी इसी चीज़ को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है इसने वापस से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि अगर वापस से यहाँ पर उसी तरीके का मुझे कंडीशन मिलता है, ठीक है, तो मैं ट्रेड बनाऊँगा, ठीक है, उसी तरीके का कंडीशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है, आगे मैं देख सकता हूँ कि इसको यहाँ पे वापस से देखिए, यहाँ पर नीचे जो सेलर्स की लाइन है वो थोड़ा सा वहाँ पर देख सकते हो ऊपर गई और वहाँ से ये वापस से नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। और वहाँ से देखिए यहाँ पर उसी जगह से, ठीक है, यहाँ पर एक न्यू आप बोल सकते हो, ऊपर उसने रेजिस्टेंस बनाया लेकिन उसी को वापस रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ से नीचे आया है, ठीक है, वापस से आप देख सकते हो यहाँ नीचे आया, इसको एक सपोर्ट मान के वापस से ऊपर गया और यहाँ पर नीचे आया है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी जैसे ये आज का मार्केट है, ठीक है, ये आज का मार्केट है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम यहाँ पर इसको मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो ये मैंने मार्क किया हुआ है, अगर इसको जाके वापस से रिटेस्ट करता है तो मेरा वहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बनता है, ठीक है, एक रिटर्न्स इसको करना चाहिए तभी मेरा ट्रेड बनता है, ठीक है, उसके पहले मेरा ट्रेड इसमें बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, एक प्रोसेस ड्रिवन इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, आपने क्या किया, फ्यूचर बिल्टअप उसका चेक किया, बाद में आपने यहाँ पर आके उसको देखा कि प्राइसिंग एक्शन से किस तरीके से मैं ले सकता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके ही। इसी तरीके से आपको कम ट्रेड मिलेगा, हो सकता है कि दिन में एक भी ट्रेड ना मिले, लेकिन आपको ट्रेड इसमें अच्छा मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस छोटा है। बहुत से लोग जो है स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बड़ा लेके करते हैं, ठीक है, ये बड़ी बड़ी कैंडल पे लेते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा बड़ा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो एक चीज़ को आप नोटिस करिए कि मुझे किस तरीके से इसमें अच्छा ट्रेड बनेगा,
तो वहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस छोटा रखिए, ठीक है। अभी हो सकता है कि एक बड़ा मूव आपसे मिस हो जाए क्योंकि वो आपके सिस्टम में नहीं बना, जैसे ये वाला था, ठीक है। अभी कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो बना था, क्यों नहीं लिया गया, यहाँ पर बना था, ये भी बना था, ठीक है, आपके सिस्टम में नहीं आया तो चलेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप ये देखिए कि आपके सिस्टम में जब आए तब लीजिए। बी ए डिसिप्लिन ट्रेडर, ठीक है। हर एक मूव को नहीं कैप्चर कर सकते हम इसमें, लेकिन जो भी आएगा हम उसको कैप्चर जरूर करेंगे, ओके। तो ये था एक प्रोसेस ड्रिवन इंट्राडे स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसको फॉलो करके आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। सो इसमें जो मैंने टूल्स को यूज़ किया है, आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कॉन्सेप्ट टूल के बारे में, ठीक है। सो ये था इंट्राडे सेटअप। और भी ऐसे जानकारी पूर्ण वीडियो जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।